ज़्यादा कम्फर्टेबल हूँ. मैं मुझे जो भी डलवा दोगे मैं कम्फर्टेबल. तो सबसे पसंदीदा क्या है दोनों ही? आप अगर मुझे पूछोगे आपको आपकी लेफ्ट आई ज़्यादा पसंद है या फिर राइट, मैं कहूँगी दोनों ही अच्छी है. तो दोनों ही अच्छी है. शहनाज जी यहाँ पे Ladies and gentlemen, Deeksha Khanna unveiled a cosmopolitan canvas of style that brought a new fashion focus on the ramp at Lakme Fashion Week XFTCI. We have with us the designer Deeksha Khanna herself and her muse Shehnaz Gill. Deeksha, wanted to understand from you, how does it feel to see your collection that you worked on translate down the runway today? It's surreal, it's amazing, as always, you know. LFW in partnership with FDCI just gives an amazing platform to all our designers, and this time it was with Shehnaz, so it was extra special. She's a lovely person, and that beauty shows inside out, and yes, it's amazing. Yes. And if you could tell us about the collection a little bit. Yes, so the collection is called Asymmetrical Precision. What that essentially means is for us that we are staying in a concrete jungle, you know, probably in a city like Bombay, but we're always trying to find our own Zen, our inner Buddha,
amongst this chaos which we all are surrounded by. So if you see in the collection, it's very grunge when you see denim, but at the same time you have this flow in the jacket, the ruching coming up, which is giving kind of fluidity to the whole collection. So yeah, it's just marrying the opposite elements together. Yeah. Shehnaz, आपको कैसा लग रहा है दीक्षा के लिए वॉक करके आज? Look center. बहुत अच्छा लगा यार, बहुत ही cool है ये. जैसे इनके कपड़े हैं वैसे इनकी वाइब है और वैसा ही इन्होंने आर्टिस्ट चूज किया है. बहुत अच्छा लगा इनके साथ काम करके एंड थैंक यू फॉर चूजिंग. सुपर ग्लैड, प्लेजर इज ऑल माइन. आप पहले भी फैशन वीक पे आ चुके हो, यू हैव वॉक द रैम. आपको कैसा लग रहा है इस लुक में? दिस इज अ डिफरेंट लुक फॉर यू. कैसा लगा आज आपको रनवे पे चल के इस शो स्टॉपर लुक के साथ? लैक्मे फैशन वीक के साथ मेरा फर्स्ट टाइम है एंड बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था. एंड ये लुक, इट्स लाइक चल के फील हुआ इट्स लाइक योर ब्रो वाली वाइब है. हाउ आर यू? दैट्स सो चेना. आई एम कंफर्टेबल ब्रो. एंड व्हाट्स अबाउट यू? इट्स लाइक दैट. बहुत अच्छा लगा आपको देख के. कंग्रेचुलेशन दीक्षा, दिस इज बीन अ स्टेलर स्टेलर शोकेस. थैंक यू सो मच अनास, यू लुक ब्यूटीफुल, दिस इज अमेजिंग. कंग्रेचुलेशन अगेन, वी विल डू क्विक फोटोज एंड देन बाइट्स. थैंक यू. ऑलरेडी सेड एयरपोर्ट के एयरपोर्ट में भी डाल सकते हैं. कैजुअल कहीं भी मीटिंग्स एंड प्रीमियर्स हर कहीं डाल सकते हैं. रात को सोने के टाइम भी डाल सकते हैं. एक मिनट, अभी ये मत डाल भेजना क्योंकि ये मैंने डाल दिया, कुछ और दिन हो गए. काफी अच्छा लगा, काफी अच्छी एंट्री हुई पहली बार लैक्मे फैशन वीक में. पहली बार फैशन, अच्छा. क्या नर्वसनेस थे, एक्साइटेड थे वॉक करने के लिए? क्योंकि वी ऑल नो लैक्मे फैशन वीक मुझे जब मैं बैक स्टेज होती हूँ तब थोड़ा डर लगता है, बट जब मैं स्टेज में चली जाती हूँ तो मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता, फिर मैं छोड़ देती हूँ डर. एंड लुक के बारे में बताइए एंड एक्सेसरीज के बारे में. ये पहली बार मैंने पर्सनली पहली बार देखा आपको इस तरह का एक्सेसरीज पहनने के लिए. इन्होंने स्टाइल किया है, मुझे डिफरेंट करना था, थोड़ा कूल वाइब अकॉर्डिंग टू कपड़े स्टाइल करना था, तो ये क्रेडिट इनको जाता है. आप इनसे पूछोगे तो ज़्यादा बेटर. सुसिमी, लाइक आई सेड, इट्स एन अमैल्गमेशन ऑफ ऑपोजिट्स. इट्स ग्रंज कमिंग विद फ्लुइडिटी द वे वी आर को एग्जिस्टिंग इन द वर्ल्ड राइट नाउ इन अ सिटी लाइक बॉम्बे. एंड इफ यू सी द गारमेंट, इट हैज़ रूशिंग, इट हैज़ वेरी सॉफ्ट गैदर्स कमिंग इन एंड देन रिवर्स पैनलिंग ऑन द पैंट, या ऑन द जंप सूट. So that is grunge meeting with fluidity. And she was on fire, I felt. I mean, absolutely. Yeah. It was amazing. इनको थोड़ा late experience किया, but I am fire. वैसे भी fire. हाँ बोल. शैला जी, आप रियल लाइफ में काफ़ी चुलबुली रही हैं, वहीं दूसरी तरफ आपको देखा गया तब आप काफ़ी फैशनेबल भी हैं, तो आपकी ज़िंदगी में फैशन के क्या मायने हैं? फैशन का क्या मायने होता है? बट अच्छा दिखना और अलग अलग स्टाइल करना अपने ऊपर, क्या क्या मतलब मैं एक्सपीरियंस करती हूँ हमेशा कि ये भी सूट कर सकता है. मुझे लगता है मैं हर चीज़ को कैरी कर सकती हूँ बहुत कंफर्टेबली, कुछ भी हो चाहे. सो मेरे लिए तो यही है स्टाइल का मतलब, बस जैसी ड्रेस हो वैसे बन जाओ. शना जी, अगर पहले की बात करें और अब की बात करें, आपके फैशन में काफ़ी कुछ चेंजेस आए हैं, तो व्हाट मोटिवेट्स यू रिगार्डिंग फैशन? मुझे लगता है जब थोड़ा बंदा अमीर होने लगता है तभी ये चीज़ें कर पाता है इंसान. मन तो सबका करता है हम भी अच्छे दिखें, स्टाइलिंग करें सबको, बट पैसा मैटर्स अ लॉट. अगर पैसा है तो सब कर सकते हो, अगर पैसा नहीं है तो फिर नहीं कर सकते. दीक्षा जी, स्पेशली ये जो एक्सेसरीज है काफ़ी अच्छी लग रही है, उसके बारे में व्हाट वाज़ द रीज़न बिहाइंड इट? सो वी थॉट वी वांटेड टू कीप इट न्यूड, बट थोड़ा सा वी हैड टू गिव दैट बोल्ड पॉप ऑन हर ब्यूटिफुल फेस विच वॉज क्लीन. So I thought this, you know, nose ring would be really nice. Yes. And she carried it beautifully. Very beautiful.
Thank you so much. Thank you. बोथ ऐसा कुछ नहीं है कि इंडियन में ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ मैं मुझे जो भी डलवा दोगे मैं कंफर्टेबल हूँ सबसे पसंदीदा क्या है सामने देखिए दोनों ही आप अगर मुझे पूछोगे आपको आपकी लेफ्ट आई ज़्यादा पसंद है या फिर राइट मैं कहूँगी दोनों ही अच्छी है तो दोनों ही अच्छी है थैंक यू गाइज थैंक यू थैंक यू सो मच हाँ एयरपोर्ट जाने वाली नहीं एयरपोर्ट नहीं जाने वाली वहाँ मत पहुँच जाना टीम अलर्ट कर देते नहीं टीम अलर्ट मत करना क्योंकि अभी मैं जस्ट इसके बारे में बात कर रही हूँ ओके थैंक यू सो मच हैना ज़्यादा सीरियस मत लेना यो ब्रो थैंक यू देशा थैंक यू शहना थैंक यू गाइज थैंक यू विजुअल कर लेते शहना जी एक आपका सोलो विजुअल चाहिए